वेलकम बैक टू द चैनल ऑटोमोटिव इंटू की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे पास वीडियो आई है, ये 2010 मॉडल है। इसमें भी ईजीआर का काम हुआ है, क्लच का काम हुआ है, गियर का काम हुआ है और ये इंटर कूलर भी साफ हुआ है। आगे जानकारी आपको साथ देंगे। हाँ जी साहब, सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, बताइए क्या इस गाड़ी है? 2011 मॉडल डीजल है। इसमें जो कंप्लेंट आई थी फर्स्ट सेकंड पे सही लग रहे, लेकिन थर्ड गियर सेकंड गियर आपको सही नहीं। ये क्या सामने अपने सामने क्या रखा है? ये देखिए, ये काउंटर साफ काउंटरशाफ्ट है। ये खराब थी क्या? इनपुट आउटपुट शाफ्ट, ये इनपुट शाफ्ट है। अच्छा, इसको जो सेंकोलाइजर रिंग होती तो कंपनी डिफेक्टेड है, एक लिमिट के बाद खराब हो जाती है। गाड़ी कितनी चली है ये? 77,000। और ये वेल्डिंग का निशान का है? ये कंपनी का है। अच्छा, कंपनी से अपन कुछ नहीं करते? ये डाई का निशान है। सिंक्रोनाइजर कहाँ लगे रहते हैं? ये देखिए सर, ये अंदर लगे, ये गोल्डन कलर के, ये खराब हो गए थे क्या? इसमें कंप्लेंट ही है, एक लिमिट के बाद सेकंड गियर और फर्स्ट थर्ड गियर सेकंड गियर आता नहीं है और फर्स्ट सेकंड को बहुत स्मूथ लगता है। और ये क्या है? ये हंडी है, इसकी हाउसिंग है। हाँ। इसका डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल। ये कौन सा गियर है? ये गियर कैसे पता चलता है पहला दूसरा तीसरा कौन सा? जो सबसे बड़ा गियर होता है वो फर्स्ट गियर होता है। कहाँ है ये? फर्स्ट गियर है। सेकंड गियर? सेकंड गियर इसका ये है। थर्ड? थर्ड गियर आप देखिए सर, ये फोर्थ गियर, ये देखिए। और फिफ्थ वाला? फिफ्थ गियर ऊपर आता है, ये रखा हुआ है। कहाँ पे देखिए सर, सत्य गियर इसका ये। कहाँ लगेगा ये? ऊपर लगे हाउसिंग, दूसरी हाउसिंग टाइट होने के बाद। ठीक है, और क्या काम करे इसमें? इसको ओपन कर रहा हूँ मैं। हाँ। क्लोज कर रहा हूँ बेटा, वो तो ढाक रखो सर को दिखाओ अच्छे से। और आओ जी, क्या कर रहे हैं? फिट कर रहे हैं। क्या फिट कर रहे हैं? ये देखिए हाउसिंग की, गियर की बिठा रहे हैं। अभी खोल के छाप भी गिरा, डीजल से पूरा धोया ना? जी हाँ। अभी कितनी सर्विस? ये खराब किस वजह से हुआ है? ये इसकी लिमिट होती है पर कई की गाड़ी में तो 2 लाख तक नहीं खुलता ये। नहीं नहीं ऐसा नहीं, समय पे आई चेंज हो रहा है। कंप्लेंट? अच्छा, समय पे इसमें गियर और कभी चेंज नहीं हुआ क्या? कभी नहीं। मतलब गाड़ी 2010 मॉडल 11 मॉडल है? 11 मॉडल, तो 12 साल में अभी तक खुला भी नहीं है? अभी नहीं। गियर ऑयल भी नहीं चेंज किया? और समय पे चेंज करेंगे जैसे साल भर में एक बार तो 20,000 किलोमीटर लिमिट रहती ना, ये चेंज करते रहेंगे तो कभी कंप्लेंट ऐसी आती नहीं है ना? कभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं आएगी। क्योंकि मेरी खुद की गाड़ी में 2.5 लाख चला दिया, कभी गियर बॉक्स की कंप्लेंट नहीं आई गाड़ी में। समय से पहले ऑयल चेंज होना चाहिए। क्लच की नहीं, क्लच प्लेट भी चेंज करे उसका आपने? जी हाँ। कहाँ क्लच प्लेट दिखाइए? गाड़ी के अंदर रखा है, दिखाइए क्लच प्लेट। ये इसकी MGP की ये है क्लच है, और ये इसका प्रेशर प्लेट है। सब MGP यूज़ कर रहे हैं अभी। इसमें ये ब्रेक पैड भी डाल रहे हैं MGP का, ये रखे हुए ब्रेक पैड। अभी ब्रेक पैड भी डालेंगे इसके आगे। यहाँ पर नई क्लच प्लेट है, ये नई क्लच प्लेट है MGP की। कौन सी निकली है इसमें? वैल्यू निकली है MGP में वैल्यू। क्या ये क्लच है? ये क्लच है, ये प्रेशर प्लेट है। पुरानी वाली क्लच प्लेट है? पुरानी वाली कचड़े में। हाँ साहब, और क्या करें इसमें बताइए? EGR का क्या कंप्लेन है? EGR तो आप आगे बहुत दिखाते, देखिए तो पूरा कार्बन ही कार्बन निकला है। हाँ वो देखो ऊपर बताइए। ये EGR का कंप्लेन है? EGR की कंप्लेन है, इससे ज्यादा मैं निकाल के फेंक चुका हूँ, थोड़ा सा रखा हूँ कस्टमर को दिखाने के लिए। ठीक है, इस गाड़ी में ब्लैक स्मोकिंग की लिमिट से ज्यादा कंप्लेन थी। और ये रैक? अच्छा, ये रैक तो किसी और, रैक किसी और था। ठीक है, और क्या EGR रखा का? ब्रेक पैड इसके कैसे निकले? टोटल लैंडिंग कंडीशन है, ये देखिए। ये क्या रखा है ये सामने? ये इसका एल्बो, ये भी खराब था क्या? समय भी चेंज ना होने के कारण इस गाड़ी का एल्बो ये टूट चुका है, उसका पुराना आपका ये। कहाँ से टूटा ये? ये देखिए सर नोजल, ये नाली देखिए, ये टूटी हुई है। ये देखिए कहाँ लगता है ये? ऐसे इसमें जादू बैठेगा, देखिए ऐसे ही। पर ये लोहे का और ये प्लास्टिक कैसा क्या अभी चेंज हो गया? चेंज कर दिया, ये लग जाता है ये? जी हाँ। अच्छा। पर ये प्लास्टिक का खराब भी नहीं होगा जल्दी? समय से पहले खराब ही नहीं होगा लगभग। ठीक है, और क्या किया इसमें अंदर? मैं इसका इंटरकूलर भी साफ करो, अभी वो क्लीन होगा, वो रखा है इंटरकूलर क्लीन। और क्या किया अंदर अभी? क्लीन करने जा रहे हैं इंटरकूलर, क्लीन करने जा रहे हैं। और बस अभी इतने तीन काम। और ये क्या है अभी? सस्पेंशन का काम? सस्पेंशन में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये काम मोटे मोटे। और क्या क्या खोले इसमें भी? इंजन में भी? इंजन में इसका क्या हो गया आपका? हाँ, EGR कितने किलोमीटर पर साफ होता है? ये तो आपके शहर के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस अच्छी रोड में चल रहे हैं या किसी बेकार रोड में चल रहे हैं। अच्छा, फिर भी कोई लिमिट तो होगी EGR की? फिर ये मान लीजिए 40,000 किलोमीटर की लिमिट है EGR की।
लगा काम बजाज गाड़ी में भी गियर फिट कर। कहाँ जा रहा रिवर्स गियर? देखिए था, मैंने इसका डिफरेंशियल फिट कर दिया हूँ। आउटपुट शाफ्ट है, इनपुट शाफ्ट है, ये गियरों की नाले हैं, ये रिवर्स गियर की नाले, ये आपका रिवर्स गियर फिट होने जा रहा है। ये देखिए था, ये रिवर्स गियर है। कहाँ लगेगा ये? ये देखिए साइड में लगेगा था, और ये रिवर्स गियर का लीवर है। कहाँ लगेगा ये? ये देखिए यहाँ लगेगा। यहाँ लगेगा, कैसे चलता है ये? अभी टाइट करूंगा मैं, आपको दिखा दूंगी चलेगा। अच्छा, अरे यार साहब गाड़ी अंदर लो ना यार। अभी गियर बॉक्स की फिटिंग चल रही है, ये देख सकते हैं। इसका ट्रांसमिशन है स्विफ्ट VDI का 2011 मॉडल है, उसकी फिटिंग वगैरह चल रही है, इसके नट बोल्ट वगैरह हैं। इसको डीजल डीजल साफ करने डलने से क्या होता है? पूरा क्लीन हो जाता है, एकदम वाइट रहेगा आपका। अच्छा, देखो ये तीन स्प्रिंग होगा, तीनों नाल के। काय की स्प्रिंग है? ये गैस से लगता नाल के। अच्छा, ये देखिए इसके छर्रे हैं, छर्रे भी नहीं डाले, छर्रे सब पुराने हैं, सब क्लीन हुए हैं। ये देखिए मैं होल के अंदर डाल रहा हूँ, ये गया फर्स्ट, हाँ फर्स्ट गया, ये छर्रा आपका गया फर्स्ट गियर का। हाँ, अरे रुक तो, ये छर्रा गया आपका फर्स्ट गियर का। हाँ, ये इसका बड़ा स्प्रिंग चला गया नोजल का। ठीक है, ये आपका गया थर्ड गियर का छर्रा, ये इससे छोटा वाला स्प्रिंग, फर्स्ट गियर से छोटा स्प्रिंग रहेगा, ये गया इसका स्प्रिंग हो गया। अब आप ये देखिए, ये जो गियर आप लगने बाद जो आप रिटर्न करते, तो इसके माध्यम से और स्प्रिंग के माध्यम से लीवर इसका रिटर्न होता है। अब ये हो गया आपका रिवर्स गियर का छर्रा, ये देखिए रिवर्स गियर का, ये देखिए था, ये मैंने डाल दिया हूँ। हाँ, अब इसके मैं बोल्ट लगाऊंगा। बोल्ट कहाँ है? बोल्ट देखिए साहब ये रखा है। तो ये छर्रे का क्या काम होता है? अगर छर्रा नहीं रहेगा तो कोई भी लीवर आपके रिटर्न नहीं होंगे। अच्छा, वो जो गियर की लीवर अपन रिटर्न करते हैं ऐसे हाथ से, तो जो साउंड आता है उसी से होता है, छर्रे से नहीं का साउंड है। ये बोल्ट पहली बार खुला है ये? जी तो देखिए एलंकी से खुलता है ये? जी, 6 नंबर एलंकी से टायर होते हैं। अब देखिए इसमें एनामोल ना हो जिससे आयल अपने लीक ना हो। एनामोल कौन सा यूज करते हैं, वाइट वाला कि रेड वाला? ये देखिए वाइट, लाल वाला क्या गंदा दिखता है ना? वो गंदा दिखता है, इसको टाइट करने में जितना बाहर आता है उतना कर दिया जाता है। अभी इसमें कितना टाइम लगेगा गाड़ी में? आज या कल तक हो पाएगी? तो आज मतलब पूरा दिन लगेगा इसमें? जी, बंद कर लो ना, तो काट काट के बनाओगे बता। ये क्या नट क्लीन कर रहे हो? देखिए नट में डीजल तो धोया हूँ, इसलिए इसमें एनामोल लगाई जा रही जिससे इसका लीकेज ना हो। वाइट वाला है ना ये? देखिए बिल्कुल वाइट वाला एनामोल, भी अच्छी क्वालिटी का है, कंपनी का है, लोकल नहीं है। ये देखिए था, ये टाइट किया जा रहा है। एलंकी क्यों रहती है इसमें? कंपनी जैसा दिया था। अच्छा, चलिए आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। चल चालू होगा, खाई लिए टेंशन ले रहा, बनाओ बनाओ। ये देखिए रहे कलम नहीं लाए, अरे उसी लिए तो बैठे कब से हम। वो ये रखो, यहाँ रखो। अरे चलता गया क्या? हट गया वो। हम जाए यहाँ जरा वो परिवार के साथ चला ना। ये रिवर्स में गियर बॉक्स फिट हो गया। वेरी टाइट है।
बैरिंग सब ऊपर ही आएगा वहाँ पे। बैठ गया कि वाटर है वो थर्मोस्टेट वाटर है वो। देखिए मैं ओपन करने आ रहा हूँ, पाइप पहले बढ़ा लेना। पॉलिसी रखना पड़ेगी। हाँ पॉलिसी रखो ना, पेपर रख लो, तैयार है। चलो चलो अभी ला ली दस की। की समझ ही रखी ना, गाड़ी का गियर बॉक्स कंप्लीट हो चुका है, सूट डीजल का पूरी फिटिंग हो गई है। हाँ जी, तो पूरा गियर बॉक्स कंप्लीट हो गया है। हाँ भैया, किसने किया है ये गेयरबॉक्स का काम? मोहम्मद अफीक अहमद। हाँ सोनू, और ये काम कराने के लिए कहाँ ना पड़ सकता है? जबलपुर मध्य प्रदेश कंटोनमेंट सदर। हाँ मछली मार्केट। हाँ पिन कोड नंबर 482002। हाँ मा मोटर्स। हाँ 9000123489। और खर्चा कितना आया गेयरबॉक्स में लमसम? करीबन 7500 रुपए गियर बॉक्स में पूरा ओवरऑल करने में ना इसको। नहीं, इसके बाद जो सेकंड गियर की कंप्लीट खत्म होने में इसके सैंकोलाइजर नए डालेगा। डीजल गाड़ी और पेट्रोल गाड़ी में कम आता है ना? जी हाँ, उसमें कम आया, उसका मैंने लो है बिल्कुल। चलिए ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही, और जब गाड़ी की पूरी फिटिंग हो जाएगी तब आपको बताएंगे। मिलते हैं, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अभी यहाँ पे गियर बॉक्स वगैरह फिट होने वाला है, ये इसका फ्लाई व्हील है। अगली वीडियो में आपको इसके बारे में पूरा बताया जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय। हाँ जी, ये स्विफ्ट का गियर बॉक्स है, अभी ये गाड़ी में टांगने वाले हैं। अभी आपको थोड़ी देर पहले वीडियो में दिखाया था, अभी क्या कर रहे हैं साहब इसमें? गियर बॉक्स गियर इससे क्या उठाते हैं क्या? टाइमिंग बेल्ट से। अच्छा, कितना देर लगेगा उठाने में? अभी 2 मिनट। 2 मिनट टंग जाएगा? 2 मिनट। नीचे कौन जा रहा है अभी? मैं जाएंगे, सोनू भैया हेड मैकेनिक। एक मोरे करो 50,000 का। क्या गियर लगा के चेक कर रहे हैं? तो बिना क्लच के वो डालो ना, शॉट डालो ना। एक मिनट ना, कर रहे हैं ये स्विफ्ट का वीडियो का। हाँ जी, और दिखाइए, बस इतनी जगह दे दो हमें। ये देखो गियर बॉक्स उठा रहे हैं, ये देखो गियर बॉक्स फिट कर रहे हैं स्विफ्ट का। अभी आपके सामने खोला था सिंक्रोनाइजर के लिए, अभी इसकी फिटिंग वगैरह चल रही है। हाँ करो ना, छोड़ दो, तुम दोनों हाथ से छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ताकत से पकड़े हो? बहुत मेहनत का काम है, तुम्हें सपोर्ट करें और आए दुकान में। इंजन धकेलना पड़ेगा, इंजन धकेलना पड़ेगा। ऊपर उठेगा यार, घुमाना पड़ेगा इन्हें। सुता लो हैं? सुता लो, का को सुता लो? सुता लो थोड़ा सा। कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये तो बढ़िया।